अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पानी अल्लाह ताला की तमाम अजीम नेमतों में से एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर इस कायनात की कोई मखलूक जिंदा नहीं रह सकती। अगर ये ज़रूरत से कम मिले तो लोग खुश्कसाली और कहत का शिकार हो जाते हैं, और अगर पानी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मैसर हो तो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इन हादसा से निपटने के लिए डैम और मसनूई झीलें बनाई जाती हैं। दोस्तों, आज भी हम पाकिस्तान के एक ऐसे डैम के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे कि जिसको इन्हीं मकासद के लिए बनाया गया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हब डैम की, जो कि पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा डैम है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हब डैम को कब और किस मकसद के लिए तामीर किया गया और क्या वह मकासद पूरे हो सके। इसके अलावा क्या इस डैम से बिजली पैदा की जा रही है और उस वक्त ऐसा क्या वाकया रोनुमा हुआ कि जब 27 अगस्त 2020 को ये डैम मुकम्मल तौर पर भरकर ओवरफ्लो करने लगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस डैम का कराची के साथ क्या लगाव है, ये डैम कराची के मुकीम लोगों के लिए क्या अहमियत रखता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। दोस्तों, हब डैम कराची से तकरीबन 56 किलोमीटर के फासले पर सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर दरियाए हब पर तामीर किया गया है। इस डैम की तामीर 1963 में शुरू हुई और 1981 में मुकम्मल हुई। इस डैम की तामीर पर कुल लागत तकरीबन 7.4 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 1 अरब 19 करोड़ 18 लाख रुपए आई। इस डैम का कुछ हिस्सा कराची में और कुछ हिस्सा बलूचिस्तान में है। डैम की कुल ऊंचाई तकरीबन 339 फुट है। इस डैम को बनाने का अहम मकसद कराची शहर को पानी की फराहमी है, और ये रोजाना सिंध को 102 MGD और बलूचिस्तान को 56 MGD पानी फराहम करता है। दोस्तों, MGD का मतलब होता है मिलियंस गैलन्स पर डे। इतना पानी फराहम करने के बावजूद कराची में अब भी पानी की किल्लत है। क्या इसकी वजह हुकूमतों की नाअहली है? खैर, इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, हब डैम का कुल रकबा तकरीबन 24,300 एकड़ है, जो कि मंगला और तरबेला डैम के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा डैम है। ये डैम 8,56,000 एकड़ फुट पानी जखीरा करने की सलाहियत रखता है। हब डैम वापटा के जेरे इंतजाम है, यानी इस डैम को पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑपरेट करती है। दोस्तों, यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या इस डैम से बिजली पैदा हो रही है? तो इसका जवाब है कि इस डैम को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इसमें बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। 2018 में वापडा ने डैम की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने का सोचा और एक छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने का मशवरा दिया। उस वक्त के पेपर वर्क के मुताबिक 0.7 MW के 2 प्रोडक्शन यूनिट लगाने के बाद ये डैम 1.4 MW बिजली पैदा कर सकता है, जिससे सालाना 5.85 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सकते हैं। लेकिन लापरवाही की वजह से अब तक कोई ज़मीनी काम शुरू नहीं हो सका। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि 27 अगस्त 2020 को मौसलाधार हुई बारिशों की बदौलत ये डैम 13 साल बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर भर गया। यहाँ तक कि पानी की सतह 339 फुट से बुलंद हो गई और ये डैम ओवरफ्लो करने लगा। इस वाक्य को कुछ यूं बयान किया जाता है कि फरवरी और मार्च 2019 में सर्दियों की बारिश से कबल डैम में पानी की सतह घटकर 276 फुट हो गई थी। फरवरी और मार्च 2019 में जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान में बारिशों के एक वक्फे के नतीजे में हब डैम में पानी की सतह में इजाफा हुआ, और वो इजाफा इस हद तक हुआ कि 13 साल बाद 27 अगस्त 2020 को डैम का पानी 340 फुट तक ऊपर आ गया और ओवरफ्लो होने लगा। ओवरफ्लो होने वाला पानी मुबारक विलेज से होता हुआ समुंदर में जा गिरता है। दोस्तों, यही अफसोस की बात है कि स्पिलवे से निकलने वाले पानी से बिजली भी बनाई जा सकती थी, लेकिन वो सारा पानी समुंदर की नज़र हो गया और आज भी ये ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, एक और मज़े की बात यह है कि 1974 में हुकूमत सिंध ने डैम के आसपास के इलाके को जंगली हयात के लिए महफूज मकाम करार दिया है, जिसके पेश नज़र डैम के बिल्कुल साथ हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कायम की गई है। इसका कुल रकबा तकरीबन 27,219 हेक्टर है। इस जगह को बहुत से परिंदों के लिए घोंसला बनाने के लिए मौजू करार दिया गया है, जिसमें सार्स, पेलिकन्स, वेडर्स और मुख्तलिफ किस्म की बतखें शामिल है। यहाँ तक कि ये इलाका माइग्रेशन करने वाले परिंदों का भी मस्कन है। दोस्तों, इस जगह को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए काफ़ी अहमियत हासिल है। डैम की आसपास की पहाड़ियों में सिंधी आइबेक्स, चार सिंगों वाला हिरन, हिंदुस्तानी भेड़िया, गोल्डन गिदर, बंगाली लूमड़ी और इंडियन पेंगुलिन पाया जाता है। दोस्तों, सबसे बढ़कर ये कि इस इलाके को रैमसर साइट होने का एजाज भी हासिल है। डैम पर तफरी करने की बात की जाए तो यहाँ पर पिकनिक, बोटिंग और फिशिंग की जा सकती है। इसके अलावा स्विमिंग के लिए भी एक इलाका मखसूस किया गया है। ताहम डैम में स्विमिंग करने की इजाज़त नहीं है। इस डैम के पास ही लसबेला के मुकाम पर वापडा की जानब से लोगों की रिहाइश के लिए एक रेस्ट हाउस भी तामीर किया गया है, जिसमें बुनियादी तमाम सहूलियात मैसर हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।